माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से कड़ी सुरक्षा में लखनऊ में एनएसए एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष पेशी के लिए रवाना किया गया है। पेशी के लिए अब्बास को कासगंज से लखनऊ लाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा में तड़के सुबह अब्बास अंसारी को कासगंज की हाई सिक्योरिटी बैरक से लेकर पुलिस लखनऊ के लिए रवाना हुई है। इस दौरान कासगंज जेल से लेकर जिले की सीमा तक कड़ी सुरक्षा में अब्बास को भेजा गया है। आपको बता दें कि चित्रकूट जेल में रहने के दौरान गैर कानूनी ढंग से पत्नी से मुलाकात के मामले में अब्बास अंसारी पर दर्ज केस में सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि बीते शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी ने गाजीपुर और मऊ जनपद में दो संपत्तियों के साथ बैंक खातों को सीज किया था। इसी के साथ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बैंक खातों को भी सील करने की कार्रवाई की गई थी। सील की गई संपत्तियों का मूल 73 लाख के आसपास बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये संपत्तियां मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर दर्ज थी। जहां इन संपत्तियों की सरकारी कीमत 6 करोड़ से ज्यादा की है, वहीं अब्बास अंसारी को ये जमीनें सिर्फ 71 लाख रुपए में ही मिल गई थी। इसके साथ ही माफिया मुख्तार के खाते में जमा 1.5 लाख रुपयों को भी ईडी ने सीज कर दिया था। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए कानून के तहत अंतरिम आदेश आने के बाद की थी। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न शिकायतों और जांच के बाद मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अशफा अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी, अशफा अंसारी के दोनों भाई अनवर शहजाद और शर्जील रजा पर धोखाधड़ी समेत तमाम आपराधिक मामलों में केस दर्ज हैं। वहीं इन मामलों में मुख्तार अंसारी, उसका विधायक बेटा अब्बास अंसारी, मुख्तार के दोनों साले अनवर और शर्जील समेत कई सहयोगी जेल में बंद भी हैं। वहीं मुख्तार की पत्नी अशफा अंसारी अभी भी फरार चल रही है। जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि पिछले हफ्ते बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। उस पर आरोप था कि उसने सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया है, मगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।